हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है वैंडरवॉल्स कांस्टेंट ए। ओके, तो वैंडरवॉल्स कांस्टेंट ए के वैल्यूज़ आपको जो गैसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, ओके, इन सभी गैसेस के लिए आपको वैंडरवॉल्स कांस्टेंट ए को मैच करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चार गैसें हमारे पास में, ओके, C6H6, ओके, बेंजीन, देन आपका C6H5CS3, देन आपका नियॉन गैस, देन आपका H2O वाटर वेपर्स। ओके, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं आपको राइट कॉलम में, 0.217, 5.464, 18 एंड 24। ओके, तो आपसे यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आपको ये वैल्यूज़ याद होने चाहिए, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट इज कि जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस, ओके, तो उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो नियरली क्या होते हैं? जीरो। अट्रैक्टिव फोर्सेस नियरली क्या है? जीरो, या फिर हम बेटर बोलें तो मिनिमम होते हैं। ओके, और यहाँ पर ये जो वैंडरवॉल्स कांस्टेंट है ए, वैंडरवॉल्स कांस्टेंट ए, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस के, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा आपका ए का। ओके, और ये जो ए वैल्यू है आपका, ये ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी। ओके, या फिर हम बेटर कहें कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ये अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? साइज के। ओके, तो हमने दो कॉन्सेप्ट समझे कि नोबल गैस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और अगर हम अदर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल होता है उनके साइज से। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर ये जो मेरा नियॉन है ये तो नोबल गैस हो गया। ओके, तो अगर मैं ए का वैल्यू कंपेयर करूँ तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी गैस के लिए हो जाएगा? नियॉन के लिए। ओके, और अब बाकी जो गैसेस बच रहे हैं H2O, C6H5CS3 और C6H6, ओके, तो इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है? तो वो है C6H5CS3। ओके, तो सबसे बड़ा जो होगा C6H5CS3। ओके, तो यहाँ पर इनके फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, और इसके बाद में कौन सा साइज होगा? तो वो होगा C6H6 का, जो कि फर्स्ट गैस है। ओके, तो C6H6 लिख दिया। ओके, और इसके बाद में कौन सा बच रहा है? H2O। ओके, तो H2O को लिख देंगे अब हम। तो एक हमने ये इनका कंपैरिजन कर लिया ए वैल्यूज का। ओके, अब यहाँ पर ये जो मैच द कॉलम है, इस मैच द कॉलम में अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू कितना है? 0.217। तो 0.217 किसके लिए हो जाएगा? वो हो जाएगा नियॉन के लिए। और सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा कौन सी है? 24। तो वो किसके लिए हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका C6H5CS3 के लिए। तो ये लिख दिया हमने 24। और 24 के बाद में सेकेंड लीस्ट वैल्यू कौन सा है? तो वो है 18। तो 18 हम दे देंगे C6H6 को, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 5.464। तो 5.464 हम दे देंगे H2O को। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? मैच कर सकते हो ये गैसेस हैं और इनके ए या फिर वैंडरवॉल कांस्टेंट ए के वैल्यूज को। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।